हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग सिविल ब्रांच पेपर टू का देखने वाले हैं। आज एग्जाम हुआ था, कौन कौन सा क्वेश्चन आया दोस्तों, जितना क्वेश्चन मिला दोस्तों वो आप लोग तक शेयर करने चाहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है दोस्तों, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। देखिए, कोई पेपर तो पूरा तो नहीं बता सकता भाई, कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, किसी को याद ही नहीं रहता है, लेकिन जितना हुआ वो भाई बताने का कोशिश किया दोस्तों आप लोग के लिए। तो इसको जरूर देखिएगा, उस टॉपिक से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर टू में दोस्तों सिविल वाले के लिए अच्छा खासा मौका, बहुत बढ़िया मौका दोस्तों देखा जाए तो। सीटें बहुत अच्छा है इसमें, जेई बनने के लिए बहुत अच्छा मौका इस बार झारखंड में है। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि एनालिसिस आगे देखना चाहते हैं तो जितना भी क्वेश्चन आएगा प्योर क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, फेक नहीं होता है यहाँ पे। जो क्वेश्चन मिलेगा, चाहे 10 क्वेश्चन मिलेगा, 10 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, फालतू झूठ मूठ का वीडियो नहीं बनाएंगे आप। ठीक है ना, होता है बहुत सारे लोग कि क्वेश्चन उल्टा पलटा करवा देता है, क्वेश्चन पूछता भी नहीं फिर भी आपको करवा देता है, वो काम नहीं करते। आप लोग एग्जाम जो दिए उसको पता देख लीजिएगा, क्वेश्चन को ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ काम फेक वगैरह नहीं होता है, चाहे उसके लिए 5 ही क्वेश्चन क्यों ना मिले, लेकिन 5 जरूर करवाएंगे, लेकिन अच्छा वही करवाएंगे जो एग्जाम में आता है। ठीक है ना, चलिए पेपर टू का हम डिस्कस कर लेते हैं। आज पेपर वन का डिस्कशन तो करवा चुके हैं, पेपर टू का देख लेते हैं क्या क्या। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आया था, 4 से 5 वाला न्यूमेरिकल था। लड़का का कहना है कि कंसेप्ट वाइज पढ़ने बोलिए, जिनका एग्जाम अभी बाद में है, कंसेप्ट पढ़ने बोलिए और नोट्स जो बना कर रखे हैं जरूर नोट्स पढ़ लीजिए। जहाँ भी टीचिंग वगैरह किए होंगे, पढ़ाई वगैरह आप लोग, तो जरूर नोट्स पढ़ लीजिएगा। नोट्स पढ़ लीजिएगा, अच्छा से रिवीजन हो जाएगा तो फिर अच्छा से एग्जाम चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो। कंसेप्चुअल पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, देखिए क्वेश्चन पूछा इन्वायरमेंट से था, पूरा टॉपिक ने लिखा, आपको हिंट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कौन सा है टॉपिक, से डिजाइन ऑफ सीवरेज सिस्टम, देख लीजिएगा ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। ठीक है ना, पाइप डायमीटर स्पेसिंग दिया हुआ है, डाई अप टू इसी करके पूछा था, 75 mm करके आंसर है। जो भी है इस टाइप का टॉपिक से देख लीजिएगा, इन्वायरमेंटला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आगे भी उठाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वियर एंड लॉन्सिंग एप्रोन के बारे में देख लीजिएगा, आंसर भी लिखा हुआ है। विड्थ ऑफ द लॉन्सिंग एप्रोन इज 1.5D। ये क्वेश्चन पहले भी पिछले बार जब जेई का एग्जाम हुआ था दोस्तों, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछले बार जब 2022 में हुआ था, ठीक, ऑनलाइन एग्जाम। चलिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 12 mm बार, अब देखिए इतना लिखा हुआ, क्या क्वेश्चन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पूछा था, कितना 12 mm बार दिया हुआ, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा। अकॉर्डिंग टू लेसिस आइडियल रेजिम चैनल, ठीक है, क्या पूछा है चैनल, उसके बाद चलिए इतना लिखा हुआ देखा, समझ जाइएगा हिंट। आप लोग तैयारी किए होंगे तो आप लोग इस इतना सेंटेंस में आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, क्या पूछना चाह रहा है। रेलवे स्लीपर्स फायर रेसिस्टेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग होता है, उसके बारे में पूछा होगा, प्रॉपर्टी वगैरह क्या मतलब है इसका, इसका मतलब फायर रेसिस्टेंट होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है इसका मतलब। ठीक है, कंक्रीट स्लीपर से क्वेश्चन पूछा था, आंसर RCC था, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रेड 43 एप्लीकेशन इसे भी क्वेश्चन पूछा था। विच ब्लास्ट इज यूज CI स्लीपर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। फॉर्मेशन विथ ऑफ सिंगल लाइन ट्रैक ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। चलिए देखिए, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मिनट, 30 मीटर चेन इन विच चेन, बताइए। अच्छा, ये क्वेश्चन दिया था आपसे, बोला कि 30 मीटर चेन किस में होता है, तो ऑप्शन देख के मारना था। 33 MPa ग्रेड सीमेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, आंसर 7 days, जो भी है देख लीजिएगा। ठीक है, टॉपिक देख लीजिएगा, ये टॉपिक आपको हिंट मिल रहा है, समझ रहे ना। न्यूमेरिकल था, देखिए फ्लूड मैकेनिक्स से हाइड्रोस्टेटिक्स फोर्स से न्यूमेरिकल था, रो GH ठीक करके जो यूज होगा देख लीजिएगा। यहाँ पर द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन ए वर्टिकल रेक्टेंगुलर गेट इतना मीटर वाइड एंड इतना मीटर विथ वाटर अप टू द टॉप सर्फेस, गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो गेट का क्वेश्चन आप पूछता है एग्जाम में, ऐसा बात नहीं है, तो ये न्यूमेरिकल देख लीजिए, क्वेश्चन भाई ने भाई पूरा आपको न्यूमेरिकल लिख दिया पूरा था, देख लीजिएगा। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन मतलब कहने मतलब ये हाइड्रोस्टेटिक फोर्स जितना भी फॉर्मूला, 2-3 फॉर्मूला है ना आपको, हॉरिजेंटल वर्टिकल जो भी है इंक्लाइन करके देख के जाइएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका न्यूमेरिकल में। चलिए, फ्लो नेट के बारे में पूछा था, ऑर्थोगोनल का, ऑर्थोगोनल होगा ठीक है। ट्रेडिशनल इरीगेशन मेथड के बारे में पूछा हुआ है, 22 mm रिवेट डायमीटर एंड mm में, ठीक है, लेंसिंग में। देखिए इतना सारा क्वेश्चन बताया दोस्तों, इसका मतलब लड़का कहीं ना कहीं अच्छा तैयारी इसका था। ठीक है, और तैयारी है इसका, एग्जाम भी बहुत अच्छा किया हुआ है, अब देखते हैं रिजल्ट क्या होता है इसका। इसका आंसर 63 था, क्योंकि जिसका तैयारी रहता है वही लोग अच्छा क्वेश्चन बता पाता है, बाकी बिन तैयारी थोड़ी पता चलता है क्या क्वेश्चन, पता नहीं चलता उसको, जो तैयारी करके जाता है उसी को पता चल पाता है, हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ था रिबेट डायमीटर रेंसिंग से, एक क्वेश्चन दिया होता देख लीजिए एक बार, आप लोग सिविल का स्टूडेंट है तो आपको पता चलेगा अच्छा से इसको क्या का टॉपिक है। ठीक है, चलिए, ट्रेस डायग्राम से क्वेश्चन था, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ DPC स्क्वायर मीटर जो भी था देख लीजिएगा, ब्रिक्स मेसनरी डिटेक्शन से क्वेश्चन था आपका। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से था, ये देखिए, NBO रिकमेंडेशन फॉर मिनिमम वेलोसिटी स्मॉल सीवर्स के, ये क्वेश्चन देखिए आर्टिकल लगा हुआ रेड कलर से, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आपको। ठीक है, तो आपको तीनों देखे जाएगा, 100 mm पूछ चुका है, ठीक है, डायमीटर
और 150 ले याद कर लें और 225 ले याद कर लें, ठीक है। तीनों देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा वेलोसिटी तो फंस जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। यहाँ से देख लीजिएगा, और भी कुछ क्वेश्चन था लिखा हुआ था, हम बताते हैं आपको कहाँ गया, ठीक है। और क्या था, क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है पेपर टू में आईएएस, क्या लिखा हुआ देखिए, पेपर टू यहाँ लिखा हुआ लड़का आईएएस 456 2000, और क्या आईएएस 800 से लेके 2007, ये दोनों कोड बुक कवर लिया कोई तो 15 क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए दोस्तों क्या लिखा है, ये दोनों कोड जो अच्छा से पढ़ लिया दोस्तों, देखिए क्या बोलना चाह रहा है, ये जो दो कोड तो लिखा हुआ अच्छा से पढ़ लिया वो 15 लिया तो 15 क्वेश्चन बन जाएगा उनके, देखिए समझ सकते हैं। ये दो कोड अच्छा से कर लीजिएगा, बोल रहा है ये जो पढ़ लिया ये सब कोड वाला, इसका 15 प्लस क्वेश्चन आराम से बना लेगा ये, ऐसा कहा ना जो एग्जाम दे आया हुआ है, जो क्वेश्चन बताया आपको ये हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो आईएएस 456 से 2000 से और आईएएस 800 से 2007 तक जरूर करके जाइए दोस्तों, ये लड़का बोला है कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया हुआ है, इसको जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, 15 क्वेश्चन का बात कर रहा दोस्तों, एक दो क्वेश्चन का बात नहीं, 15 क्वेश्चन बोल रहा है, सोच सकते हैं आप लोग। तो भाई के लिए थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा दुआ मांगिएगा, उसका भी सिलेक्शन हो जाए भाई का, जो आप लोग के लिए इतना किया है दोस्तों, एक एक चीज़ लिख के दिया आपको लिए, अरे भी बताया कि ये सब करके जाइए आपको 15 प्लस क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये इतना आसान नहीं होता है, ये सच्चे इंसान ही कर सकता है ऐसा काम, ठीक है। बाकी तो इंसान तो बहुत लोग एग्जाम दिया, लेकिन पेपर कौन लोग बता रहा, कोई नहीं बता रहा है, लेकिन ये बंदा खुद ही लिखा, ऐसा नहीं कि उसको जानते हैं ना उसको पहचानते, खुद ही मैसेज किया वैसे व्हाट्सएप पर, ठीक है, कि सर करा दीजिए। अच्छी बात है दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग होना चाहिए समाज में, ठीक है, तभी तो समाज ग्रो कर पा जाएगा। जो भी है तो तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करेंगे दोस्तों, ताकि आपको भी करना चाहिए इनको, ठीक है। चलिए बाकी ये PDF को हम डाल देते हैं टेलीग्राम में, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ये सब रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। जिनका एग्जाम आगे है ये सब टॉपिक पढ़ लीजिएगा, जितना मिल रहा बता दें, आगे भी मिलेगा तो आगे भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक। चलिए तो टेलीग्राम चैनल क्या है, JSSC वाला है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद देख लीजिएगा, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।